हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बताएंगे कीबोर्ड की हिस्ट्री को आप कैसे डिलीट करेंगे। दोस्तों, कीबोर्ड में कुछ वर्ड सेव हो जाते हैं और टाइपिंग करते वक्त जो है वह वर्ड सजेस्ट करता है, तो अगर आप उसे क्लियर करना चाहें हिस्ट्री को, कीबोर्ड की हिस्ट्री को आप डिलीट करना चाहें तो कैसे करेंगे। दोस्तों, इसके लिए जो है सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करना है। देन दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरल मैनेजमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। देन दोस्तों, यहाँ पर आपको लैंग्वेज एंड इनपुट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन दोस्तों, यहाँ पर आपको सैमसंग कीबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन दोस्तों, यहां पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट टू डिफॉल्ट सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। देन दोस्तों, यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगा रीसेट कीबोर्ड सेटिंग, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड सेटिंग है वह रीसेट हो जाएगा। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इरेज पर्सनलाइजेज प्रिडिक्शन, दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कीबोर्ड में जो वर्ड जो है सजेस्ट अगर आपको करता है उसे अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इरेज पर्सनलाइज प्रेडिक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको इरेज के ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो कीबोर्ड का हिस्ट्री था वह क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से जो आप कीबोर्ड की हिस्ट्री को, जो भी सजेस्टेड वर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।